आपका मेरे वीडियो में स्वागत है। मैं आज बनाने जा रही हूँ बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी दही बड़े। उसकी सामग्री ऐसी है कि पहले दाल जो कि मैंने रात में फुला के रखी हुई थी और ये बहुत अच्छी तरीके से फूल गई है। ये देखिए, आप देख सकते हैं दाल। इसमें डालेंगे अपन मेथी और जीरे जो कि मैंने भूंज के रखे हुए हैं। ये भूंजे हुए जीरे और मेथी डालते हैं तो इसका टेस्ट और अच्छा आ जाता है। धनिया और अपने दही बड़े में हींग डालना बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, इसलिए हींग जरूर डालिएगा। और मैं लाल मिर्च, हरी मिर्च की जगह लाल मिर्च यूज कर रही हूँ, इससे कलर अच्छा आएगा। और अदरक, चलिए अब हम पीसना चालू करते हैं। अब हम दाल को मिक्सर में डालेंगे और अपनी सारी चीजें मिक्सर में डालेंगे। चलिए अब पीसना चालू करते हैं। आप देख सकते हैं मेरी दाल पीस चुकी है। आप इसको इस तरीके से पीसेंगे, ना तो ज़्यादा गाढ़ा हो ना ज़्यादा पतला। दही बड़े बहुत सॉफ्ट आते हैं, पतले में ज़्यादा तेल पीता है और गाढ़े में अंदर कच्चा रह जाता है, इसलिए मीडियम पीस कर इसको अपन को बनाना है। हमारी दाल पूरी अच्छे से पीस चुकी है। अब इसको अपन चेक करने के लिए कि अपन की दाल अच्छे से पीसी है या नहीं पीसी, इसको अपन एक बाउल में पानी भरेंगे, उसमें चेक करेंगे कि अपनी दाल अच्छे से पीसी है या नहीं पीसी है। इसमें हमने थोड़ी सी दाल डाली है। आप देख सकते हैं अपनी दाल अच्छे से पीस चुकी है क्योंकि अपनी दाल पानी में तैरने लगी है, इसलिए अच्छे से दाल पीस चुकी है। अगर दाल नहीं पीसी रहती है तो वो पानी में बैठ जाती है, इसका मतलब दाल अच्छे से नहीं पीसी है। स्टील का बर्तन लेंगे, उसमें हम कपड़ा बिछाएंगे और उसके ऊपर पानी फेरेंगे। पानी फेरने के बाद अपन अपनी दाल लेंगे और उसको अपन परे का आकार देंगे और फिर उसको कढ़ाई में डाल देंगे। इन परों को अपन को मीडियम आंच में गोल्डन होने तक पकने देंगे, तेज आंच में नहीं, क्योंकि तेज आंच में ऊपर से तो पक जाएंगे पर अंदर से कच्चे रहेंगे, इसलिए न ज्यादा मध्यम में, मीडियम आंच में अपन को पकाना है। धीरे धीरे अपने बड़े हो रहे हैं, जब तक बड़े हो रहे हैं अपन इसका पानी तैयार कर ले रहे हैं। चलिए अपन एक बड़े बर्तन में पानी ले लेंगे, उसमें अपन नमक डालेंगे क्योंकि अपन ने बड़े में तो नमक डाला नहीं है। ये पानी में नमक, अपन जूसी बना रहे हैं, जूसी बड़े, इसलिए पानी में नमक डालेंगे और हल्दी डालेंगे, थोड़ी सी हींग डालेंगे, वैसे इसका फ्लेवर, खाने का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अब हम इसको अच्छी तरीके से मिला लेंगे। करीबन 2 मिनट और पकाने के बाद हम अपने बड़े निकाल लेंगे। पानी जो बनाकर रखा था अपन अपने बड़े इसमें डाल देंगे। अपन अपने बड़े इसमें जब तक डाले रहने देंगे जब तक अच्छे से फूल ना जाए, उसके बाद ही अपन एक एक करके सारे बड़े निकालेंगे पानी से। करीबन 15 मिनट पानी में डालने के बाद अपने बड़े फूल चुके हैं। अब चलिए हम इनको सजाने के लिए बाहर निकालते हैं। कर चुके हैं, अब हम इनकी सामग्री जो अपन को सजाना है वो सामग्री, सबसे पहले दही, इमली की खटाई, चाट मसाला, हरी चटनी, भुना हुआ जीरा, लाल मिर्च, काला नमक और सादा नमक सफेद वाला। चलिए सजाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने बड़ों में दही डालेंगे। अपन ने दही से अपन अपने बड़े को सजा दिया है। अब इसमें हम डालेंगे हरी चटनी, चटनी जो बनाई है वो नींबू, धनिया, मिर्ची, अदरक, लहसुन से बनाई है। अब हम इसमें चाट मसाला डालेंगे, में चाट मसाला से थोड़ी स्वाद आ जाता है अच्छे अपने बड़े में, और भुना हुआ जीरा डालेंगे। अब देख सकते हैं हमारे बड़े कितने
अच्छे लग रहे हैं, आप ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा और स्वादिष्ट भी लग रहे हैं। अब इसमें हम थोड़ी सी लाल मिर्च डालेंगे। अब इसमें हम अपना काला नमक डालेंगे, सफेद नमक भी डालेंगे। नमक आप अपने स्वाद अनुसार खा सकते हैं। और इसमें हम इमली का पेस्ट डालेंगे जो कि मैंने बाजार से पहले ही लाके रख लिया था। आप देख सकते हैं हमारे दही बड़े कितने सॉफ्ट और सुंदर दिख रहे हैं, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। अब इनको खाकर बनाकर आप टेस्ट करके बताइएगा कैसे बने, कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको कैसे लगे दही बड़े। अब हम मिलते हैं अपने अगली वीडियो में।